मैं आपको हम बार बार बोले कि अब हम राड मनोजा हम बार बार बोले हैं कि अब हमारे माता पिता हमारे अभिभावक बच्चों को नहीं डांटेंगे कि तुमको नौकरी कैसे नहीं मिला। विधानसभा लोकसभा में जिनको वोट दिए वो कान खींच के बोलेंगे वोट तुमको कह दिए रे। एकदम देसी स्टाइल में तुमको गरिया सुना के मेरे खट भरा मारी और कपारे लुआ की बाजारों वोट क्यों दिए हैं। पटकी के मोराय के नोची के चौथी के नमाइंद बोरे बच्चा लोग क्या करेगा। 60-40 बेच दे लो तो हरियन के साइड में की कर दो ये लोग नौकरी बेच रहा है बच्चा को मत डांटिया काफी। डांटना है उनको डांटिए जिनको वोट दिए हैं। सबसे पहले पीएनवा को डांटिए अपना होरी बोरी बुझे नहीं करता। ये तो गनीमत है झारखंड की माटी है कि आप लोग कोयला चुनने आए थे आपको झरिया और बदनबाद से और बेरमो से विधायक बना दिए। ये झारखंड का कलेजा है जी। आप हमारे लोगों के मुखिया नहीं बना पाएंगे चैलेंज करते। साथ ही साथ और एक छोटा सा संदेश यदि मान के चलिए पैसों की राजनीति में नौजवान थोड़ी सी निराशा लगती है ऐसा नहीं हम लोग भाग के चले जाएंगे। वोट के बाद हम लोग फिर से लड़ेंगे। वो लड़ने का तरीका बड़ा खूंखार होगा। उस लड़ाई में नौजवान नहीं चूल पका पका दादू और दादी लोग को आगे करेंगे। दादी को ना गलत कह लिया दादू गलत थी। आप जब सीटी बजेंगे नहीं करेंगे आप जींस को यहाँ फाड़ के ऑर्केस्ट्रा जावे नहीं करेंगे तो कहले जिंदा है एक लाइन बताइए। आप जिंदा है अपने नाती पुता का खुशी देखने के लिए खामोशी नाती पुता का खुशी के लिए आपको हथियार थमाने के दिवस होंगे। आप तैयार हैं? तैयार हैं? ये बात हम दिवस होकर कह रहे हैं क्योंकि नौजवानों पर फर्जी केस होता है। यह देखिए सिंदरी थाना में इतना केस किया है इतना एफआईआर किया है जैसे हम लोग पाकिस्तान का बॉर्डर और आपका कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट या ओसामा बिन लादेन। इसलिए जो हमारे बुजुर्ग हैं आपको भी समझना होगा सीरियस होना पड़ेगा। दादू इस लाठी में साला नीचे तरफ से एक खंजर भोंक के रखना होगा क्योंकि आप इसीलिए जी रहे हैं ताकि आपके बेटा का बेटा या बेटी का भविष्य ठीक हो। इसीलिए जिंदा है ना ये दादी यह खतरे मत चल ना। बाकी हम तो हस्पताल में देखा लियो कि दादू संगे एक एक और डाक में दो को पॉइंट लगे के पीले हैं। डेटिंग में गेटिंग में आरोप उठाना है यानी आप जिंदा हैं केवल और केवल अपना नाती पिता का भविष्य के लिए। सही है ना। तुम्हें के भविष्य के लिए 24 में पर वोट दीजिए और नहीं तो चोट दीजिए जो भी सामने आएगा। पीपल का छांव वो माने मेरा तालाब वो नदी का पानी वो छोटा सा पहाड़ बड़ी आ रहा है लेकिन हम मजबूर हैं। हम 27 साल से विदेश हैं। उन्होंने चंदा दिया है आज मीडिया के माध्यम से उनके दर्द को अपने दिल में हम लोग भरते हुए उनको भी धन्यवाद देते हैं। उठो नौजवानों फिर से इंकलाब आया है। ये इंकलाब जो निकला है आज सीनों से ये आफ्ताब जो निकला है आपके चीनों से ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे ये जुल्म की सरकार को फाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे गर्दन कटेंगे लेकिन हम कम नहीं होंगे। जय झारखंड जय झारखंड।